नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 53। हैदराबाद शहर में कत्ल की वारदातों में इजाफा। जी हां, राउडी शीटर वाहिद अली का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। पहाड़े शरीफ पीएस लिमिट जलपली तालाब के पास 28 साल नौजवान वाहिद अली की लाश पाई गई, जो किशन बाग अल्लाह मस्जिद का रहने वाला है। इस कत्ल की इत्तला मिलते ही पहाड़े शरीफ पुलिस मौके पर पहुँच कर एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। आज के दिन शाम को 4:30 बजे हमारे को एक इतला मिली थी, एक डेड बॉडी जलपल्ली तालाब के किनारे के पास एक राक्स के पीछे एक पड़ा हुआ डेड बॉडी है बोल के इतला मिले। तो हम लोग इधर आके चेक करे तो पूरा चेक करके उसका पता चल गया था, एक आदमी का डेड बॉडी था। उसका नाम सैयद वाहिद अली, 9 नंबर का रहने वाला, और उसका उम्र 28 ईयर्स तक रहता। और भी पता चला था उन्होंने राजेंद्र नगर का रोड शूटर है बोलते पता चला था। वो केस करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सम 9 पर्सन्स इनको इधर लेके आके मार डाले बोल के हमारे को थोड़ा इतला मिली, तो इसके ऊपर केस करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पर अभी तो आपको तो कुछ भी नहीं मिला था, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी केस रजिस्ट्रेशन करके अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरा बच्चा का सैयद वाहिद अली। सैयद वाहिद अली कहाँ रहते थे? किशन बाग में। उन्होंने एजाज कौन है? ये एजाज जिसका नाम ले रहे हैं आप? उन्होंने एक औरत को कर लिया वहाँ। अच्छा, 3 साल हो गया जी। तो मैं क्या करी, वाले मेरा बच्चा कहाँ? तो मेरा हाथ रहा जी। पुलिस वाले भी दम कर रही, कहाँ है बोलते, कर लिया तो कर लिया बाबा, बोलकर मेरा बच्चा 3 साल से। नहीं नहीं माँ, आपके आपके वाहिद अली का एजाज से क्या ताल्लुक है? दोस्त है, उन्हें दोस्त है। दोस्त है तो आप ये एजाज अली के हुए है जो भी कर रहे हैं? ये आपको शक नहीं है? मेरा शक पूरा। आपको कैसा मालूम हुआ आपके बच्चे का मर्डर हुआ यहाँ पे बोल के? मेरे को अभी जो है ना वो अजीब फोन आया मेरे जी को। जी अच्छा, बच्चे का तुम्हारे हो गया फोन आया जी? अच्छा, तबियत खराब है उसको, मर्डर हो गया। आप वाहिद अली साहब का शादी हो चुकी है? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई। शादी कोई शादी नहीं है? कोई बच्चा शादी नहीं थी, रख लिया उनकी मर्जी से। अच्छा, उन्होंने रख ले गए थे? उन्होंने रख ले गए थे, उनको 2 बच्चियां भी है थे। अच्छा, रख ले गए थे उनके साथ में 2 बच्चियां? नहीं देखी, वो औरत है, मैं उसको आज तक नहीं देखी। जी जी। तो रात में वाहिद हमारे 10 बजे गए थे, रात में, कल रात में 10 बजे गए थे जी अम्मा। तो वो जो औरत है मेरे को फोन करी, 10 बजे गए वाहिद अभी तक नहीं आए बोल के जी। तो मेरे को बच्ची को मैं बोली ये फोन आया बोले तो जी। वो औरत बोली 10 बजे से तुम्हारा वाहिद नहीं है जी। और वो वाहिद कहाँ गए कि कोई बच्चे आके ले गए? यानी कि कल रात में 10 बजे से आपके आपके बच्चे आपके घर पे नहीं थे? उनकी लड़की ने आपको फोन, उनकी बीवी ने आपको फोन करे जो रखे हुए थे, तो घर पे नहीं आए बोल के? नहीं आए। फिर आप लोगों ने कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया? तो मैं ऐसा नहीं साहब, मैं उन्होंने भाई मेरे कन तो नहीं है ना जी जी, उन्हें वही रहता ना, हो सकता हूँ उन्हें किसके साथ गया कि कभी दरगाहों को भी चले जाता। अब उन्हें मैं कहा, मैं यही ख्याल करी उन्हें दरगाहों को गया होगा, आता होगा। वो ये सोच के मैं सुबह से मैं भी खामोश हो गई। फोन करे तो उसका नाट शुगुल बता रहा था, बंद था, बंद था फोन। तो आप आज कैसा पता चला आपको कि आपका बच्चा यहाँ पर है बोल के? हमारे बस्ती के जो है ना कुछ लोग आपको बताए, कुछ लोग। लेकिन आप जो एजाज नामी आदमी का नाम ले रहे हैं, वो एजाज उनका दोस्त है? हाँ, पक्का दोस्त है, खास दोस्त है उनका। तो हमारा बच्चा उसके ऊपर बहुत भरोसा, भरोसा। आपको पक्का यकीन है कि उसके पास शक है एजाज के ऊपर? एजाज कहाँ पे रहता मैडम? वो जो है ना किशनबाग में रहता। आप भी किशनबाग में रहते? हसन नगर में रहते? मैं भी किशनबाग में। किशनबाग में कहाँ रहते मैडम आप? किशनबाग में अल्लाह मस्जिद कमेटी हाल का नहीं मेरा घर जी। आप हुकूमत से क्या इंसाफ चाह रहे हैं मैडम अभी? उसका मेरे को बच्चे को जैसा मान है वो इंसाफ होना मिला। आपका एक बेटा है बच्चा था या और कोई बच्चे है आपके बच्चे? एक ही बेटा है। कितने बेटे कितने बेटियां आपको? मेरे को 3 बेटियां, एक बेटा, एक बेटी का मेरा 10 साल इंतकाल हो गया जी। और एक 2 बेटियां, एक बेटा है जी अम्मा। और वो जो है ना एक बच्ची का भी जो है ना दामाद हमारे बहुत सता रहे बोल के, वो बच्ची भी मेरे पास ही।
तो मतलब आपका जो भी दारा मदार था वाहिद के ऊपर ही था, वाहिद के ऊपर ही था। जो आपका एकलौता एक बच्चा था, वो भी अब आपका मतलब वो भी खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। तो आप हुकूमत तेलंगाना से क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना, इंसाफ होना। ठीक है, ये जो जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, क्या नाम बताया आपने उसका? एजाज। एजाज कौन? उनका खास दोस्त है? उनका खास, उनके साथ में रहते थे एजाज? उनके साथ रहते। तो ये मटर के अंदर उन्हीं का हाथ है, आपका कहना ये है? नहीं, उनका ही हाथ है, उनको पकड़े तो जो भी है ना पूरा मालूम हो गया, पूरा मालूम हो जाता। ठीक है मैडम, आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम है साबिरा बेगम। साबिरा बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिरा।